हेलो हेलो, आवाज आ रहा है? तो अभी जो आप मुझे सुन रहे हो, बेशक किसी हेडफोन या फिर स्पीकर के थ्रू, ना स्पीकर पे लगा के कौन सुनता है। एनीवेज, अगर आप हेडफोन से सुन रहे हो तो आजकल तो हर कोई TWS ईयरफोन्स ही यूज करते हैं, ब्लूटूथ वाला। पर डीप इनसाइड वी ऑल नो कि जो मजा वायर्ड ईयरफोन्स में है वो कोई ब्लूटूथ हेडफोन कहां दे पाता। एंड इन टर्म्स ऑफ गेमिंग, ऑडियो मास्टरिंग और एडिटिंग, इतना भी महंगा वायरलेस हेडफोन्स को आप खरीद लो, लेटेंसी का इश्यू तो उस पर कम ज्यादा आता ही, क्योंकि आप समझ सकते हो कि ऑडियो को वायरलेसली ट्रेवल करना पड़ता है। तो अगर आप गेम्स के दीवाने और दिन का शुरुआत आपका प्लेन से गिरते हुए होता है, then I have the perfect gaming earphones for you. So hello friends, मैं हूं का शराब दिखा टेक्निकल्स का YouTube चैनल। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, लाइक कर देना। तो जिस गेमिंग ईयरफोन की मैं बात कर रहा हूँ वो है HP का H150। तो ये है इसका बॉक्स, जैसे कि आप देख सकते हो। एंड यस, इसका अनबॉक्सिंग मैंने पहले ही कर लिया था, बट डोंट वरी, मैंने इसको पहले जैसे एकदम से अच्छी तरीके से पैक करके रखा है ताकि आपके सामने अच्छा खासा एक अनबॉक्सिंग वीडियो में डाल पाऊं। तो पैकेजिंग की अगर बात करो तो फिर फर्स्ट टाइम मेरे को ऐसा ही रिसीव हुआ था, जैसे कि आप देख सकते हो कि पैकेजिंग उतना ज्यादा खास है नहीं यहाँ, लेकिन हमें आउटर लुक में जज नहीं करना चाहिए, अंदर क्या है वो देखते हैं। वेल, बॉक्स पे ना आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ आप देख सकते हो कि वारंटी कार्ड है, और बाकी आप देख सकते हो कि यहाँ पे उन्होंने एक टू हेडेड प्लग्स जो है उन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, एज यू कैन सी। और उसके बाद है कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स, एज यू कैन सी कुछ एक्स्ट्रा उन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, जिनका कान छोटा है उनके लिए छोटा वाला, जिनका कान बड़ा है उनके लिए बड़ा वाला। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक है ईयरफोन HP का, आप यहाँ पे देख सकते हो लुक दिखने में कैसा, और आप ध्यान से देखना कि यहाँ पे ना बहुत ही अच्छा खासा एक डिजाइन उन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। पर इस पे एक ट्विस्ट है कि इस पे ना एक उन्होंने एक्सटर्नल माइक्रोफोन प्रोवाइड कर रखा है, जो कि दिखने में कुछ ऐसा है। वेल, अगर ईयरफोन्स की बात करें तो फिर ज्यादा ही बड़ा ईयरबड्स उन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, एज यू कैन सी। अगर मैं ऐसा करके दिखाऊं तो फिर आप देख सकते हो। इसका रीजन भी है कि यहाँ पे ना आपको 10mm का ड्राइवर मिल जाता है। तो एक बार पहन के देखते हैं, ठीक है ना? पहले तो इसको खोल लेते हैं। वेलक्रो। वैसे इसको लगाने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। ओके, हो गया। हाँ, अभी ये ठीक से लग गया। वैसे कंफर्टेबल तो है, काफी अच्छे तरीके से ये फिक्स हो गया है मेरे कानों पर। इवन मैं दौड़ भी सकता हूँ या फिर उछल भी सकता हूँ, लेकिन ये वाला ईयरफोन दौड़ने के लिए नहीं, गेमिंग के लिए। तो अगर कंफर्ट की बात करें तो फिर ठीक ठाक ही है। बाकी इसका जो वायर क्वालिटी है वो नॉर्मल सा है, ब्रेडेड केबल तो है नहीं, आप यहाँ पे देख लो, नॉर्मल सा है, सख्त नहीं है। वेल, एक्सटर्नल माइक तो है इसके साथ, बट इस पे ना एक बिल्ट इन माइक्रोफोन उन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, जैसे कि आप देख सकते हो। और यहाँ पे एक बटन दे रखा है जिससे आप कॉल वगैरह को पिक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए ना एक स्लाइडर उन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, जिससे कि आप वॉल्यूम को घटा बढ़ा सकते हो बहुत ही आसानी से। तो नॉर्मल डे यूसेज के लिए आप इसको नॉर्मली यूज कर सकते हो, इसके लिए वो एक्स्ट्रा माइक ऐसा करके नहीं लगाना पड़ेगा। मेरे को इसके बारे में थोड़ा सा वरी हो रहा था। वेल, अगर मैं इसके जैक की बात करूं तो फिर हाँ, ये एक नॉर्मल 3.5mm वाला जैक है, जैसे कि आप देख सकते हो, और एल शेप होना चाहिए था एक्चुअली गेमिंग के लिए, ठीक है ना, वो स्मार्टफोन पे ऐसा करके पकड़ के, बट यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेट उन्होंने प्रोवाइड किया है, पता नहीं क्यों। और अगर मैं इसके ईयरबड्स के फिजिकल अपीयरेंस की बात करूं तो फिर जो डिजाइन उन्होंने प्रोवाइड किया है ना, उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो यहाँ पे जो स्काई वाले डॉट्स हैं उनको देखकर मेरे को पहले लगा कि यहाँ पे लाइट्स वगैरह जलेंगे, बट ऐसा तो है नहीं, पर थंबनेल पे डाल देंगे, ठीक है ना। पर सीरियसली, मेरे को ना इसका जो डिजाइन है ना वो मेरे को एक्चुअली में बहुत ज्यादा सही लगा। और लेफ्ट वाले ईयरबड पे ना एक होल है इस माइक को लगाने के लिए, लाइक ये है इसका डिटैचेबल माइक, और इसको आप ऐसा करके लगा दो, बस हो गया आपका काम। कॉल सेंटर वाला फीलिंग आ रहा है मेरे को, पता नहीं क्यों। इसको आप अपने हिसाब से ऐसा करके एडजस्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आप ऐसा करके नीचे रख दो या फिर ऐसा करके आप हटा दो, ठीक है ना। एंड ये गेमिंग के वक्त ना बेटर एंड क्लियर कम्युनिकेशन के लिए काफी ज्यादा यूजफुल लगा मेरे को। तो एक बार इसका ना आउटपुट सुन लेते हैं। तो भी आप सुन सकते हो कि इसका जो आउटपुट है वो कैसा आ रहा है। अभी इसको ना एक बार डिटैच करके देखते हैं कैसा आ रहा है मेरा वॉइस, कमेंट करके बताओ। तो भी तो आपको ये अंदाजा लग गया होगा कि काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इस माइक्रोफोन से। और अगर आप गेम स्ट्रीमिंग वगैरह करते हो तो फिर काफी अच्छा खासा वॉइस ये रिकॉर्ड कर लेते। अभी ना मैं इससे थोड़ा सा गेम खेल के देखता हूँ। तो अभी मैंने इसको टेस्ट करके देखा, जो फुटस्टेप है उसके बाद जो सराउंड साउंड्स है, सराउंडिंग पे जो साउंड्स चलता रहता है ना, मेनली गेम के अंदर के जितने भी साउंड्स है वो मेरे को बहुत ही अच्छा सुनाई दिया इन ईयरफोन से। एंड म्यूजिक वगैरह सुनने के बाद मेरे को काफी क्लियर इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन सुनाई दिया। इसमें ना सच्ची में एकदम बैलेंस्ड एंड नेचुरल साउंड मेरे को सुनने को मिला। ऐसा भी नहीं कि बेस बहुत ज्यादा है या फिर ट्रेबल बहुत ज्यादा है, ऐसा कुछ भी नहीं। वेल, इसके साथ जो एक पिन कनेक्टर उन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, इसके चलते आप ना इस
ईयरफोन को अपने पीसी पर लगा के गेमिंग वगैरह कर सकते हो बहुत ही आसानी से, क्योंकि कुछ पीसीस पर माइक्रोफोन एंड ऑडियो का दो अलग अलग पोर्ट्स होते हैं, तो इन दोनों के चलते आप एक ही साथ इस ईयरफोन को कनेक्ट कर पाओगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप अपने पीसी पर सेम गेमिंग एक्सपीरियंस ले सकते हो बिल्कुल अपने फोन की तरह। वेल अभी बढ़ते हैं कंक्लूजन की ओर कि अभी क्या इसको लेना वैल्यू फॉर मनी होगा। पहले तो इसका प्राइस जान लो, ये अमेजोन पे करीब 1000 रुपए के आसपास आपको मिल जाता है। वैसे मार्केट में जितने भी गेमिंग ईयरफोन है वो इसी प्राइस रेंज पर आता है, लेकिन ये ईयरफोन एचपी का है और स्पेशली गेमिंग के लिए है। साथ ही साथ सेपरेट माइक भी मिल रहा है आप लोगों को, जैसे कि गेमिंग का अच्छा खासा फीलिंग भी जनरेट होता है। और मेरे खुद का एक्सपीरियंस इस ईयरफोन के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। और अगर आप अपने गेमिंग एक्सपीरियंस को अच्छा करने के लिए एक ईयरफोन के ऊपर 1000 रुपए खर्च करने के लिए तैयार हो, इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, तो नो डाउट आंखें बंद करके आप इन ईयरफोन को ले लो। वैल्यू फॉर मनी एक होता है ना कि वर्थ प्रोडक्ट, यस इट्स टोटली वर्थ। बाकी अगर आपको इसे परचेस करना है तो फिर मैंने लिंक इसका डिस्क्रिप्शन पर डाल रखा है, जाके आप परचेस कर सकते हो। वैसे मेरे को ये 950 के आसपास मिला था, प्राइसिंग अप डाउन होता रहता है, अभी शायद थोड़ा सा कम है, सो अभी कभी जाके आप परचेस कर लो। वैसे वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, एंड आज का ये वाला टॉपिक कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताना। और अगर आपको गेमिंग ईयरफोन्स या फिर हेडफोन्स को परचेस करना है और आपका बजट भी कम है तो फिर कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो लाने की सोच रहा हूँ। बाकी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करना, रीच बढ़ाना है चैनल का। एनीवेज जिम्मे तक पंजाल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें, मिलते हैं किसी वीडियो के साथ। सो गुड बाय।